सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल EduEntainment। तो फ्रेंड्स आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है कोरोना वायरस जो हमारी जिंदगी में डायरेक्ट असर कर रहा है। सो इस वीडियो में हम कोरोना वायरस की सारी डिटेल्स जानेंगे, वो कैसे कब डिस्कवर हुआ, इसका ट्रांसमिशन क्या है, उसका कौन से टाइप्स के कोरोना वायरस की डिजीज इतने सालों में हमने देखे है, जैसे सार्स हो गया, मर्स हो गया, वो सब के बारे में देखेंगे। सब क्या डिजीज कब आया था, टाइमलाइन क्या है उसका, अपने कितने लोग उसमें इन्फेक्टेड हुए थे, क्या मोर्टेलिटी रेट है, क्या डेथ्स हुई थी, और सारे के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। उसके अपने सिम्टम्स क्या थे, सारे जो भी बीमारी अभी तक आई है कोरोना वायरस के रिलेटेड, तो हम सब के बारे में अच्छे से डिटेल्स में डालेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों की ये वीडियो को पूरा देखें और एंड तक ध्यान से देखें, क्योंकि ये अफवाहों का बाजार है, अफवाह बहुत ज़्यादा तेज़ से फैलता है। तो आप इस वीडियो में पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें जिससे आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और आपको पूरा जानकारी, आपको पूरी नॉलेज मिल जाए कोरोना वायरस के रिलेटेड। तो अगर आप जानना चाहते हैं सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो फ्रेंड्स हम बात करते हैं अबाउट कोरोना वायरस की थोड़ी बहुत जानकारी के बारे में हम बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि इसकी, अब मैं जो आपको चार्ट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, इसका फाइलम क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका फैमिली क्या है, इसका सब फैमिली क्या है, आप सब देख सकते हैं। इसका फैमिली है कोरोना वेरिडे और इसका ऑर्डर है नीडो वायरल्स, इसका ऑर्डर जो है। अब हम बात करते हैं कि ये कोरोना जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, और लैटिन और जो वर्ड ग्रीक से एक्चुअल में लिया गया है। इसका कोरोना का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो है व्रेथ या क्राउन इसका मीनिंग होता है। आप इस इमेज से आप समझ सकते हैं कि क्यों इसको कोरोना वायरस है, उसको क्राउन क्यों बोल रहे हैं, आप इस वायरस के इमेज से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, दे आर एनवलव्ड वायरसेस विद अ पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम। ये आरएनए वायरस, या ये जो वायरस है वो आरएनए टाइप का वायरस है, इसका जीनोम जो है वो 27-34 किलो बेसिस जितना बड़ा होता है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट नोन आरएनए वायरसेस में से है, जितने भी हमको आरएनए वायरसेस पता है इसमें से ये सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़े हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी डिस्कवरी के बारे में। पहला, हम इस वीडियो को है ना थ्री सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, फोर सेगमेंट्स। अभी अबाउट कोरोना वायरस तो आपने समझ ही लिया, अभी डिस्कवरी के बारे में देखेंगे, ट्रांसमिशन के बारे में देखेंगे, हमारे आउटब्रेक्स के बारे में देखेंगे, सार्स मर्स और हमारा अभी कोविड-19, और हम इसका क्योर के बारे में, कोविड-19 का क्योर का, उस बारे में डिटेल में देखेंगे। तो बने रहिए, अब पहले आते हैं डिस्कवरी पे, ठीक है। ये जो कोरोना वायरस है जो ह्यूमन में पाया गया है, सबसे पहले जिस पाया गया था वो 1960 में, 1960 में ये कोरोना वायरस इंसानों में पाया गया था। उनको जो सिम्टम्स हुए थे वो कॉमन कोल्ड, वो दो पेशेंट्स थे ह्यूमन के जिसको कॉमन कोल्ड सिम्टम्स थे, जो कॉमन कोल्ड में जो हमारे आम जुकाम खांसी जो इसमें जो हमारे सिम्टम्स होते हैं वही सेम सिम्टम्स वो दो पेशेंट में देखे गए थे, ठीक है। और इसके बाद हमारा सार्स आया, फिर हमारा जो 2003 में आया था, फिर H9N63 जो हमारा 2004 में आया था, फिर HKVI जो हमारा 2005 में आया था, फिर मर्स जो हमारा 2012 में आया था, अभी हमारा सार्स कोविड कोरोना वायरस 2 मतलब हमारा कोविड-19 जो 2019 में ही आया है, कोविड-19 से ही है, हमको पता चल जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डिस्कवरी के बारे में। अब हम बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ट्रांसमिशन। ये जो ट्रांसमिशन ये जो कोरोना वायरस है इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये फैलता कैसे है, जैसे समझ लो कि मुझे कोरोना वायरस है, अब मैंने खांसा छींका तो, और मैं बोल भी रहा हूँ, जब हम जोर से छींकते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह में से थूक निकलता है, उस थूक में से जो वायरस हमारे वो थूक में हमारा वायरस होता है, जब हम छींकते हैं या खांसते हैं, और मैं जब जोर जोर से बोलता हूँ, अगर मेरे पास कोई आदमी खड़ा होगा 1 मीटर के डिस्टेंसेस के आसपास, तो मैंने अगर छींका खांसा और मैंने कवर नहीं किया तो उस पर वो वायरस चला जाएगा। तो ऐसे ये वायरस फैलता है, और एक आदमी की क्षमता होती है कि वो दो तीन, ये कोविड-19 की बात कर रहा हूँ, कि एक आदमी तीन और आदमी को बीमार कर सकता है, ये इसका अपना ट्रांसमिशन का रेट, ये कोविड-19 का। अब आपको पता ही होगा कि हमने हमारे WHO ने इस कोविड-19 को एक महामारी, एक पेंडेमिक, एक एपिडेमिक घोषित कर दिया है। सो इसका जो हमारा पेंडेमिक, जो भी कोई भी पेंडेमिक, कोई भी महामारी होती है, उसके चार स्टेजेस होते हैं, ठीक है। पहला स्टेज हमारा, दिस इज मोस्टली इंपोर्टेड फ्रॉम द अफेक्टेड कंट्री,
अफेक्टेड एरिया, मतलब अभी को समझ लो कि वुहान में हमारा ये वायरस COVID-19 हुआ था, ठीक है, तो वुहान में किसी को हुआ वायरस हो गया और वो किसी और देश में चला गया, किसी और एरिया में चला गया, तो उसको कोरोना वायरस है, तो वो उस देश में वो जिम्मेदार होगा उस देश में वायरस फैलाने के लिए। मतलब पहले क्या था कि जो पहले से इन्फेक्टेड एरिया है कंट्री में, वहाँ से दूसरे कंट्री या दूसरे एरिया में ये ऐसे ट्रैवल करता है। जैसे मैं कैरी कर रहा हूँ, प्लेन में बैठ गया मैं और मैं दूसरे कंट्री में पहुँच गया, या अपने खुद के घर में ही पहुँच गया मैं वहाँ पहले काम करने गया था या किसी भी घूमने फिरने के लिए गया था, तो इससे हमारा ये वायरस फैलता है, ये हमारा पहला स्टेज होगा। अब क्या होगा कि मैं तो कोरोना वायरस बीमार हूँ, और कोरोना वायरस का ये जो सबसे खतरनाक चीज़ क्या है, तो उसकी सिम्टम्स दिखने के लिए 5 से 6 दिन तक लग जाते, 5 से 6 दिन होते फिर आपको जाके सिम्टम्स दिखते हैं, ये इतनी खतरनाक बीमारी। तो 5 से 6 दिन अपने मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठा, मैं प्लेन में बैठा, मैं ट्रेन में बैठा, मैं ऑफिस में गया, मैं वहाँ गया, मैं फैमिली के साथ गया, तो मैं अब क्या, मैं तो कोरोना वायरस हूँ, मुझे सिम्टम्स भी नहीं है, मैं अब समझ रहा हूँ कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, और उसके कारण मैं दूसरों को फैला रहा हूँ, मुझे अनजाने जाने अनजाने में मैं फैला रहा हूँ। ये हमारा दूसरा स्टेज हो गया कि मैं आया बाहर से, मैं कोरोना वायरस लेके और मैंने फैलाया। अब तीसरे स्टेज में क्या होगा, जब अभी इंडिया तीसरे स्टेज में, हम वैसे तो अभी जाहिर में दूसरा स्टेज ही बोल रहे हैं, पर हम तीसरे स्टेज पर पहुंच ही गए, ऐसा हम बोल सकते हैं। हमारे COVID-19 का जो अभी ये पेंडेमिक है, हमारे अभी इंडिया थर्ड स्टेज पे। अब क्या होगा कि कम्युनिटी में जब मैंने उसको फैला दिया, अब वो तो कोई बाहर घूमने गया नहीं था क्योंकि मैंने उसको फैलाया, अब वो और लोगों को फैलाएगा, ठीक है। तो आप समझ रहे, ये स्टेज थ्री हो गया, पहले मैं लाया, फिर मैंने किसी इस मेजो एरिया में रहता था उसको, वहाँ पे मैंने लोगों को इन्फेक्ट किया, अब वो लोग और लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू, उसको बोलते हैं कम्युनिटी बेस्ड ट्रांसमिशन, इसको बोलते हैं कम्युनिटी बेस्ड ट्रांसमिशन। अब ये यहाँ से खतरनाक, यहाँ से केस बढ़ने बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं और फिर हज़ारों में केसेस चले जाते हैं। अब इसका लास्ट और फाइनल स्टेज है फोर्थ स्टेज, जिसको बोलते हैं दिस डिजीज़, मतलब कोई भी डिजीज़ होता है, टेक शेप ऑफ एन एपिडेमिक। कोई भी महामारी होती है, वो कोई भी बीमारी जो होती है वो महामारी का रूप लेती है फोर्थ स्टेज में, और वो ऐसे फैलना शुरू हो जाती है, जिसका को हमको कोई एंड ही नहीं दिखता, उसको हम हमारे कंट्रोल से, हमारे हाथ से बाहर निकल जाता है। तो ये हमारे चार स्टेज होते हैं कोई भी महामारी, कोई भी पेंडेमिक के बारे में। इसी में इसलिए बात करूँ क्योंकि हमारे ये COVID-19, क्योंकि हम अभी इसलिए लॉकडाउन किया हुआ है कि ये हम इतने बुरी हालत में ना आ जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आउटब्रेक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं जो कोरोना वायरसेस जो पहले भी फैल चुका है, और अभी तो कोरोना ये तीसरी बार हुआ है हमारा, पहले हम सार्स के रूप में हुआ, फिर मर्स के रूप में, और अभी COVID-19 के। तो अब हम सार्स, मर्स और सब के बारे में बात करते हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं पूरी ध्यान से। पहले बात करते हैं सार्स, इसका जो फुल फॉर्म है वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये कोरोना वायरस के बारे में ये ध्यान रखना है, ये जो बीमारी है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इसको जो ये इन्फेक्शन है वो हमारे फेफड़ों में जाके वो इन्फेक्शन बनाता है, तो इसलिए इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इसमें पहला हमारा जो 2003 में हुआ था सार्स के रूप में, उसको सार्स नाम दिया गया था, वो बीमारी फैली थी, वो वायरस जो था वो कोरोना वायरस ही था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। अब डेट क्या है, नवंबर 2002 में ये इसका पहला केस हमको मिला, ठीक है। जो जगह थी जहाँ पे ये केस मिला वो था गुआंगजुआंग चाइना में मिला था, ठीक है। अब जी इसका एज रेंज है कि किस कौन से रेंज किन लोगों को ये बीमारी होगी, तो ये पहले साल के बच्चे से लेकर 91 साल के बूढ़े तक को ये बीमारी हो सकती है, मतलब सब इस बीमारी में कवर हो जाते हैं, इसका जो एज रेंज है। इसमें कन्फर्म्ड केसेस कितने हैं, 8096 इसके टोटल केसेस, कन्फर्म्ड केसेस मिले हैं, ठीक है। इसमें जो डेथ्स हुई है वो है 744 लोगों की, 8000 लोगों में से 744 लोगों की डेथ हो गई है। तो इसका हम मोर्टेलिटी रेट निकालेंगे तो वो 10% निकलेगा, ठीक है। और इसके जो सिम्टम्स है, सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम्स क्या है, हमारा फीवर, हमारा ड्राई कफ, हमारे डायरिया, सोर थ्रोट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब ये हमको सिम्टम्स दिखे थे सार्स के टाइम पे 2002 में, ठीक है। हम दूसरे में आते हैं मर्स, मर्स का फुल फॉर्म क्या है, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। मिडल ईस्ट में ये हुआ था सितंबर 2012 में पहला केस मिला था हमको, जो जगह थी वो थी जिद्दा सऊदी अरेबिया, ठीक है। इसके जो एज रेंज है ये 14 साल से के बच्चे से लेके
94 साल के बूढ़े तक को ये बीमारी, ये इसका एवरेज है, ठीक है। इसमें हो सकता है कि और लोगों को भी हुआ, पर ये एज एवरेज हमको मिला है, ठीक है। इसका जो कंफर्म केसेस की जो संख्या है वो है 2494 केसेस इसका कंफर्म केसेस हुए हैं, ठीक है। इसमें जो डेथ हुए वो 858 लोगों की डेथ, मतलब इसकी मॉर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा थी, ये सबसे खतरनाक बीमारी थी। इसकी जो मॉर्टेलिटी रेट है वो 37% है, तो बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी रेट है इसके। इसके जो सिम्टम्स है वो है फीवर है, ड्राई कॉफ है, डायस्पिनिया है, डायरिया है, सोर थ्रोट है, फिर हमको वेंटिलेटरी सपोर्ट भी चाहिए, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी थी, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट बीमारी जिसके कारण हमारे लॉकडाउन हुआ 21 दिन का, वो है COVID-19 सार्स कोरोना वायरस 2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जिसको हम COVID-19 से भी जानते हैं और नोवल कोरोना वायरस से भी जानते हैं, जो फोन कॉल में हमको बार बार बोलते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसका पहला केस जो मिला था वो था दिसंबर 2019, इसका पहला केस हमको मिला था, ठीक है। डिटेक्शन फेसिस कहाँ मिला था, ये तो सब फेमस ही हो गया, वुहान चाइना में, ठीक है। इसकी जो एज रेंज है वो क्या है, 21 से लेके 76, मतलब 21 साल के जवान से लेके 76 साल के बूढ़े तक को ये बीमारी होती है, एवरेज है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। हमारे जो कंफर्म केसेस है एज ऑफ 26 मार्च, ये कितने हैं, 4,96,129 कंफर्म्ड केसेस हैं, ठीक है। तो ये दो जो सार्स और मार्स की बात की थी इससे तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसकी मोर्टालिटी रेट क्या है, वो है 4.5%। इसकी जो अपने मोर्टालिटी रेट 4.5%, जो हमारे जो कंफर्म केसेस और डेथ के रिलेटेड हम जब देखते हैं तो 4.5% है, ठीक है। पर अब साइंटिस्ट का मानना है कि इसकी मोर्टालिटी रेट लगभग 2% के आसपास है, ठीक है। इसकी जो डेथ्स हुई वो है 22,303 एज ऑफ 26 मार्च। तो मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी आगे कितने और केसेस होंगे, कितनी डेथ्स होंगी, क्या मोर्टालिटी रेट है वो देखने वाले बात होंगे, ठीक है। इसके जो सिम्टम्स है बहुत, ये ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है ये दोनों के कंपैरिजन में। इसके मेजॉरिटी जो सिम्टम्स हैं वो है फीवर, ड्राई कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये तीन इसके मेजर है। इसमें कभी किसी को शायद डायरिया भी हुआ है, पर वो बहुत ही ज़्यादा, इसकी जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा कम है, परसेंटेज जो है बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। अब इसका क्योर, अब वो दोनों बीमारी के क्योर के बारे में बात नहीं की थी, पर इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। इसका क्योर एज ऑफ नाउ अभी तक कोई क्योर नहीं है, और इसका वैक्सीनेशन बनने के लिए भी कम से कम 1 से 1.5 साल अभी लग जाएंगे, तो अभी तक तो इसकी कोई क्योर नहीं है। पर फ्रेंड्स, इस बीमारी की सिर्फ और सिर्फ एक ही क्योर है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। आपको एक दूसरे के साथ डिस्टेंस रखना ही पड़ेगा, इसलिए इतना कठोर कदम उठाया गया है, 21 दिन का लॉकडाउन रखा गया। क्यों 21 दिन का लॉकडाउन, क्योंकि किसी को तो 5-6 दिन में तो सिम्टम्स देखने, पर किसी को 10 दिन और 12 दिन भी लग जाते हैं सिम्टम्स देखने के लिए। तो इतना ज़्यादा दिवस, तो कितना इंडिया, तो कितना बड़ा कंट्री है, 130 करोड़ लोग रह रहे हैं, तो ये इतनी खतरनाक रूप ले सकती है और लाखों लाखों की जान जा सकती है, तो इतना कठोर कदम तो उठाना ही पड़ेगा, तो कुछ ऑप्शन ही नहीं था। तो 21 दिन का लॉकडाउन हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि हमने नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत बोला है कि सोशल डिस्टेंसिंग, आप एक दूसरे से थोड़ा दूरी बना के रखें, कम से कम 1 मीटर या 1.5 मीटर की, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दूसरे को ना फैले। फिर हाथ धोए वो सब तो है ही कॉमन, ठीक है, आपको पता ही होगा, आपने बहुत एडवर्टाइजमेंट में देख ली होगी, तो मैं इसके बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। अब इसको सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम ये नहीं मेंटेन करेंगे, ये दो कर्व देखें, अगर हम नहीं मेंटेन करेंगे ये सोशल डिस्टेंसिंग, तो ये कर्व बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, मतलब एक ही टाइम में इतने ज़्यादा केसेस आ जाएंगे कि हमारा सारा कोलैप्स हो जाएगा, हमारी सारी पूरी व्यवस्था, हमारे सारा पूरा व्यवस्था वैसे ही कमज़ोर है और पूरा तरीका से बर्बाद और पूरी तरीका से ख़त्म हो जाएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की जान जाएगी, वो बहुत खतरनाक, आप सोच भी नहीं सकते ये कितनी खतरनाक समय होगा। इसको ये ना हो, हम क्या चाहते हैं कि ये फ्लैट कर्व बने, आप फ्लैट कर्व का भी डायग्राम देख ही रहे हैं। इसमें क्या होगा कि एक बार में बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आएगा और लंबे समय तक हम खींच लेंगे, मतलब ये एक समय में बहुत ज़्यादा केसेस नहीं होना चाहिए, बस यही हमारी कोशिश है, इसलिए ये लॉकडाउन हुआ है कि हमारा जो कर्व है वो फ्लैट हो जाए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कि सबको लोग क्लियर हो जाए कि ये कोरोना वायरस क्या है, उसके बारे में पूरी डिटेल्स के बारे में जान लें। सो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।